Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है फैब्रिक फिनिशेस, वस्त्र परिसज्जा। मैनी एन एंड सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैड जॉइंड अ हॉबी क्लास टू लर्न फैब्रिक पेंटिंग। मैनी एन और उनके कुछ मित्रों ने वस्त्र पेंटिंग सीखने के लिए हॉबी क्लासेस ज्वाइन किया है। ठीक है, फैब्रिक पेंटिंग मतलब कपड़ा पेंटिंग, वस्त्र पेंटिंग क्लासेस जो होता है। While evaluating individual articles, they noticed that the colors of some of the articles were not uniform, despite the fact that the same color had been used to paint all of them. सभी वस्त्रों को जब वो लोग evaluate करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उस समय उन्होंने वह देखते हैं कि कुछ वस्त्रों के रंग में समान रूप से नहीं चढ़ा है, जबकि सभी वस्त्रों को रंगने के लिए एक जैसा ही रंग का प्रयोग किया गया था। कहने का मतलब जो रंग है वो हर एक कपड़े पे एक जैसा नहीं आया है। ठीक है, When they asked the instructor about it, they were told that the cotton fabrics with uneven color spread had been given some finish which needed to be washed before using fabric painting colors. अब जब उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर अनुदेशक को इसके बारे में पूछा तो उसको क्या उनको क्या बताया गया, तो उन्हें बताया गया कि अब जो असमान रंग है, मतलब हर एक कपड़ा पे अलग अलग तरह से जो रंग चढ़ा है, वह इसलिए क्योंकि जो सूती वस्त्र पर पेंटिंग जो हम लोग किए हैं उसका प्रयोग करने से पहले उसका कुछ परिसज्जा किया गया था जिसे बाद धोने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आपको सूती का कपड़ा पेंटिंग करना है तो आप पहले उसको धोएंगे उसके बाद उस पर पेंटिंग करेंगे। What does this mean? अब इसका मतलब क्या होता है? Do colors behave different on different fabrics of material? क्या जो रंग होते हैं वो अलग अलग कपड़े पे अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं? You have learnt about starching and heard the terms like dyeing, printing, mercerization. ठीक है, तो आप देखिए, वॉट आर दीज प्रोसेसेस एंड हाउ डू दीज इंफ्लुएंस द फंक्शन ऑफ फैब्रिक। जो हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे क्या पढ़े, आपने क्लफ लगाना, स्टार्चिंग मार लगाना सीखा है, और आपने रंजन, पेंटिंग, मर्सीकरण आदि शब्दों के बारे में सुना है। डाइंग, पेंटिंग, मर्सराइजेशन, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े थे। वॉट आर दीज प्रोसेसेस, अब यह जो प्रक्रिया है यह कौन सी है, तथा ये किस प्रकार कपड़े की जो क्वालिटी होती है, जो फंक्शन है, गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इन दिस लेसन वी विल ट्राई टू आंसर दीज एंड मैनी सिमिलर क्वेश्चन। अब ये जो चैप्टर है जिसमें बहुत सारे वीडियोस अब लाइन से इसके बाद आएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रश्न है इसके बारे में जानेंगे और अनेक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग करेंगे इसमें। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव, ये जो चैप्टर है उसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डू द फॉलोइंग। इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप ये सब चीज कर पाएंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फिनिशेस गिवन टू फैब्रिक्स। कपड़ों को प्रदान की जाने वाली परिसज्जा फिनिशेस के अर्थ और महत्व का वर्णन कर पाएंगे आप। क्लासीफाई वेरियस फिनिशेस अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। अब देखिए, अलग अलग तरह से जो हम लोग परिसज्जा करते हैं उनके गुण के आधार पर, ठीक है, उनको आप क्लासिफाई कर पाएंगे। जिसका जैसा प्रॉपर्टीज होगा आप उसको डिटेल में समझ पाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक फिनिशेस ऑन फैब्रिक्स। कपड़ों पर आधारभूत परिसज्जा के प्रयोग के प्रभाव को आप जान पाएंगे। इनुमरेट स्पेशल फिनिशेस एंड एक्सप्लेन द वेज ऑफ एम्प्लॉइंग देम। अब देखिए, कुछ कुछ कपड़ों पे स्पेशल फिनिश करना देना पड़ता है, विशेष परिसज्जा करनी पड़ती है, तो वो कैसे किया जाता है आप वो समझेंगे, और इनके प्रयोग का जो तरीका है, ठीक है, उसको आप समझ पाएंगे। एलैबोरेट द मेथड ऑफ डाइंग एंड प्रिंटिंग। अब देखिए, रंगाई करना, डाइंग करना मतलब रंगाई करना, डाई करना, और प्रिंटिंग छपाई करना, ये कैसे होता है, इसके मेथड्स को, इसकी पद्धतियों का वर्णन आप कर पाएंगे। Evaluate different techniques of decorative dyeing and block printings on fabric.
कपड़ों पर सजावटी रंगाई तथा ब्लॉक प्रिंटिंग की विभिन्न तकनीकों की आप जांच कर पाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसके बाद वाला वीडियो से आप लाइन से देखिए, बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे।